इसको मैंने उठाने की हिम्मत कर ली है। कितने प्यारे हो तुम, अभी तो डरे हुए क्यों है? वैसे डरना तो मुझे चाहिए। जी पहले इसको काट दे। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? फूलों के शहर पिशावर से एक दफ़ा फिर आपको कर रही हूँ खुशामदीद। आप हैरान परेशान हो गए होंगे कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। तो जी, मैं आज एक डॉग हाउस में आई हुई हूँ और बड़े ही बेहतरीन और बड़ी आला नस्ल के यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों मौजूद थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर अपने लिए एक पेट खरीदने आई थी। अब देखें, कुत्ता मिलता है, बिल्ली मिलती है, जो भी मिलता है दोनों का दिल है। देख लें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ मुझे पसंद आ गई तो मैं ले लूँगी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बेहतरीन सी वीडियो आपके साथ भी शेयर की जाए। किसी ने दिया था और कहा था कि जी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नस्ल के जानवर मिलते हैं और बिल्लियाँ भी मिलती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके आपको भी हाल अहवाल बता दूँ। डॉग हाउस के ऑनर से भी हम मिलेंगे, आपको भी मैं मिलवाऊंगी। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुझे देखें पकड़ाई है। ओहो, पता नहीं नाम इसका क्या है। मिलते हैं खैर जी भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम और ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बता दें और डॉग हाउस के बारे में बता दें कि जी डॉग हाउस कब से है, क्या क्या इनको खिलाते हैं पिलाते हैं, कब से शुरू किया इस सफ़र को, सफ़र का आगाज़। और ठीक है, ये डॉग सेंटर है पिशावर में मेरा, ये 22 साल से मेरे पास है। ठीक है, तो मैं पहले शौकीन था, तो शौक में से मैंने ये कारोबार बना दिया इसको। ठीक है, तभी मैं इसका काम करता हूँ। हर किस्म के जानवर मेरे पास मिलते हैं, अगर किसी को कोई भी जानवर चाहिए तो मेरे पास। ये जो डॉग और कैट्स हैं ये बाहर से मंगवाते हैं या नहीं पाकिस्तान में? तो बाहर से तो बहुत मुश्किल से आता है, ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं। जो लोग बाहर से लाते हैं अक्सर ये लोग बेचने भी चाहते हैं, ख़रीदते भी हमसे। तो हर किस्म के डॉग हमसे मिलते भी हैं, हम ख़रीदार भी हैं। अगर कोई बेचे तो मैं ख़रीदार हूँ, अगर कोई लेना भी चाहते हैं तो आप, मैं अपना नंबर देता हूँ, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। ज़्यादातर पिशावर में लोग कुत्तों के लोग शौकीन हैं या बिल्लियों के? नहीं, दोनों के जी। अक्सर ये लेडीज़ वगैरह कैट ले जाती हैं, जो डॉग हैं ये लोग राखी के लिए लेके जाते हैं, स्कूटी के लिए जी। और कौन कौन सी नस्ल के आपके पास कुत्ते और बिल्लियाँ हैं? मेरे पास जर्मन शेफर्ड मिलते हैं, ठीक है, अल्सेशियन भगियाड़ी मिलते हैं, लेबराडोर मिलते हैं मेरे पास, गोल्डन रिट्रीवर मिलते हैं, गुलटेरी मिलते हैं मेरे पास, रशियन डॉग मिलते हैं। कौन सा भगियाड़ी? बघियारी डॉग होते हैं जो अल्सेशियन हम बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, वैसे बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है नाजरीन, मैंने ज़िंदगी में नहीं सुने। मुझे सिर्फ अल्सेशियन का और लेबर डॉग का ही पता था और मुझे और कुत्तों वुत्तों का पता नहीं था। खैर अच्छा, अच्छा जी, और बिल्लियों की आप बताएं, बिल्लियों के बारे में थोड़ा सा। तो बिल्ली हर किस्म की मेरे पास मिलती है, इसमें बिल्ली है, पर्शियन मिलती है, सैमीज मिलती हैं हमारे पास, ये दो बिल्लियाँ। अच्छा, मैंने सुना लोग कलर के बड़े शौकीन होते हैं, भाई सफ़ेद को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या काली को, तो मतलब आपके पास तो ज़ाहिर बात है हर किस्म का बंदा आता है, तो ज़्यादातर किस किस्म के लोग कलर को या उसको किस क्या चीज़ मतलब देखते हैं, मद्देनज़र क्या चीज़ रखते हैं? अक्सर ये इंसान जो है, काफ़ी लोग ये जो वाइट होती है ना, वाइट कैट पसंद करते हैं जी, कहते हैं ये वाइट वाली अच्छी है। जैसे ये अभी फिर रही है, वाइट है जी। हाँ, इसके शौकीन ज़्यादा बड़े बड़े इसके बाल है ना, इसको ट्रिपल कोट बोलते हैं। इसमें 5 फेस कैट आती है हमारे पास, ये डॉन फेस आती है हमारे पास जी, तो इसमें सैमीज वगैरह आती हैं। अच्छा, तो ये बिल्लियाँ क्या खाती हैं, मतलब गोश्त इनको खिलाते हैं इनको भी या नहीं, इनका कोई अपना स्पेशल वो फूड है इनका? जी, इनका अपना फ्रूट मिलता है, इसको कैट फ्रूट बोलते हैं जी, मेओ नाम है उस खाने का, हम इसको ये खिलाते हैं। और कुत्ते? कुत्ते जो हैं वो भी डॉग फ्रूट खाते हैं, जब अपना फीड बनाते हैं अपनी खुद, दूध और रोटी देते हैं उसको। अच्छा, मैं अभी जब इंटर हुई हूँ तो कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा था ना, तो मतलब मेरा तो एकदम वो कहते ना त्राही निकल गया ना उसकी आवाज़ को ही सुन के। तो मतलब जो लेडीज़ भी ज़ाहिर बात है आप कह रहे हैं कि आती हैं, तो फिर मतलब डर वर नहीं लगता? मतलब मुझे तो खुद बड़ा अजीब सा यहाँ पे फील हो रहा था, तो कैसे आप ग्राहक को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं?
जो भी शौकी होते हैं वो डरता नहीं है जी। जो अच्छा। कैट के शौकीन होते हैं, जो भी जानवर से लेडीज हो मर्द हो शौक करते हैं वो डरते नहीं है जी। अच्छा, इनका मतलब है मैं खरीदने के लिए आई हूँ तो मैं डर रही हूँ। अच्छा खादिम भाई, बाहर चलते हैं, देखते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं आपके पास कौन कौन सी, क्योंकि साथ साथ आप दिखाते जाएंगे तो हमारे व्यूअर्स को आसानी हो जाएगी कि भाई आपके पास कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। ठीक है, इंशाल्लाह चलते हैं जी। ओके जनाब, किसी वक्त में मैंने एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का पाला था, लेकिन वो जब 4-5 माह का हो गया तो वो मेरे पाँव चाटने लग गया था। तो बस वैसे ही मुझे ना एक कुत्ते का अपना खौफ, अपनी दहशत होती है, तो फिर मैंने अपना इरादा तर कर दिया। अभी भी मैं जो है इरादा बिल्ली का ही बना के आई हूँ, लेकिन मैं भाई से पूछूँगी कि भाई के क्या तासुरात होते हैं। भाई पहले मुझे ये बताएं कि ये जो जब से मैं आई हूँ बड़ा भोंग रहा है, ये कौन सी नस्ल है? इसको लगे बकर की नस्ल के बकरवाल बोलते हैं जी। अच्छा। बकरवाल डॉग है जी ये। अच्छा, मुझे सही है, वो वुल्फ की तरह लग रहा है ना? नहीं, वुल्फ इधर नहीं, ये अलग नस्ल है, कबर अफगानिस्तान की नस्ल। जो वुल्फ होता है वो जर्मन शेफर्ड की नस्ल होता है। अच्छा, शक्ल ऐसी, वैसे वो इंग्लिश मूवीज में मैंने ऐसे कुत्ते बड़े देखे हैं। अफगानिस्तान में रखते हैं जी, भेड़ों के लिए रखते हैं, चौकीदारी के लिए रखते हैं, ये नस्ल है। अच्छा, इनको आप खाना खिलाते हैं, जाहिर बात है कुत्ते हैं, बात समझते हैं आप इंसानों की, तो इनको, इनके अपने नाम तो होंगे, आप इनको कैसे मतलब संभालते हैं? हम तो इसीलिए संभालते हैं, इनके नाम हैं अलग, हमसे जो लोग लेकर जाते हैं वो कहते हैं हमने अपनी मर्जी का नाम रखना है, आप हमें नाम ना दिया करो, हमने अपनी मर्जी का नाम रखना है, तो ये हिल जाते हैं। तो ये मालिक के पास जब जाते हैं तो फौरन एडजस्ट हो जाते हैं? 3 दिन के बाद इसको खुला छोड़ो कहीं भी नहीं जाते हैं, ये फालतू कुत्ते हैं जी। कभी ऐसा इत्तफाक हुआ हो, खुदा ना खास्ता किसी को काट लिया हो या कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, क्योंकि ज़ाहरी बात है इतना ट्रैवल करके ये जानवर आते हैं, आप लोग यहाँ पर भी इनको बंद करते हैं, यानी 2-3 हाथों से गुजर के ही अपने मालिक तक पहुँचते हैं, तो जानवर है ना, इसका भी तो दिमाग, ज़ाहरी बात है एक दिमाग होगा तो। हाँ जी जी बिल्कुल, इनकी वैक्सीनेशन हुई है, कम्प्लीट है जी, किसी को काटे उस पर असरात नहीं होगा जी, ये बिल्कुल घरेलू कुत्ते हैं जी सारे। सिर्फ चक का दर्द होगा, बाकी असरात नहीं होंगे, सिर्फ चक का दर्द होगा। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है? ये रशियन डॉग है जी, ये फीमेल है। अच्छा, ये बिल्ली की तरह इसके बाल है ना? इसको जैपनी स्पिट बोलते हैं जी। अच्छा, ये बस वैसे ही मतलब लोग शो के लिए, खूबसूरती के लिए, मम्मी डैडी वाले लोग रखते हैं जी। अच्छा, और ये फाइटिंग वाला है? ये जो स्कॉटी वाला जी, सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा, इसका क्या नाम आपने बताया था? इसको बकरवाल बोलते हैं जी। बकरवाल, ओके। और ये इसके बच्चे हैं क्या? रशियन डॉग इसके बच्चे नहीं है, अलग इसके माँ बाप है जी, ये जोड़ा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन है यही नस्ल है जी। और ये नीचे, इसको काठा ताजी बोलते हैं, ये शिकार की कुत्ता है। अच्छा, शिकारी कुत्ता है जी, खरगोश का शिकार करता है। बस सिर्फ खरगोश का, एक स्पेसिफिक शिकार ही करता है, बाकी नहीं जी। अच्छा, और ये भी खरगोश वाला है जी। अच्छा, इसको ग्रैंड हॉर्न बोलते हैं जी। जी, ये पॉइंटर है जी। अच्छा, इसको कोहाटी पॉइंटर। अच्छा, जो भी नाम ले रही हूँ गलत ले रही हूँ। अच्छा, बस तुक्का लगा रही हूँ, लेकिन तुक्का अभी तक बैठा नहीं। ये पॉइंट, इसका पॉइंटर बोलते हैं, पॉइंटर। अच्छा जी, ये किस काम आता है? ये शिकारी है, ये बटेर का, तितर का शिकार करता है ये। अच्छा, और ये, इसको बेल्जियम शेफर्ड बोलते हैं, ये रशिया की नस्ल है। अच्छा जी, और ये, ये भी रशियन डॉग है जी, रशियन पपी है। ये अल्सेशन होगा, ये अल्सेशन है। शुक्र है जी, मैंने एक गेस कर लिया। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। ओके जी, ये भी अल्सेशन है सर। अच्छा, इसकी और इसके कलर में बड़ा फर्क है। असल में इसका डार्क कलर इसका सा हल्का सा है जी। अच्छा, है नस्ल एक ही नस्ल है, एक ही नस्ल के दोनों। और ये, ये बेल्जियम शेफर्ड है जी। हाँ जी। अच्छा, बिल्ली को तो मैंने हाथ लगा लिया था, लेकिन कुत्ते को मैं देख के मेरा तो बस दिल जो है ना मुंह की तरफ आ रहा है। भाई वही बंदा आ सकता है जो शिक्षा। हाँ, ये छोटे से बच्चे जो हैं इनको मैं हाथ लगा सकती हूँ, छोटी नस्ल के हैं। अच्छा जी। ये इनके बच्चे हैं। आपने अगर खरीदारी करनी हो इनसे, ये ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं माशाल्लाह। कोरोना में भी इनका अच्छा खासा ही, मुझे बता रहे थे कि कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि मैं फारिग हुआ हूँ। डेली बेस पे हमारे पास जानवर आते हैं, और हम डेली बेस पे जो है पेशावर से बाहर भी जो है वो हम भिजवा रहे हैं। टोटल घर तक आपको पहुँचाने की जिम्मेदारी इनकी है, और मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे कहने की वजह से। आप ज़रूर इनके साथ रابطہ करिए, जो लोग पेट्स के शौकीन हैं, कुत्ते बिल्लियों का, जिनको उनके साथ लगाव है, शौकीन लोग हैं, वो इनके साथ रابطہ कर सकते हैं। डायरेक्टली इनके साथ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे रابطہ कर सकते हैं। इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। छोटू सा कुत्ता, इसको मैंने उठाने की हिम्मत कर ली है। कितने प्यारे हो तुम। ये दोनों बहन भाई हैं जी, ये दोनों फीमेल।
अच्छा बहने वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी हर किस्म के कुत्ते, कुत्ते ज़्यादा इनके पास मौजूद हैं। ये कह रहे थे कि बिल्लियाँ जो हैं अभी हम लोग क्योंकि कोरोना की वजह से हालात कुछ ऐसे हैं तो माल हम लोग मंगवा रहे हैं डेली बेस पे, इनका काफ़ी माल निकल जाता है तो बिल्लियाँ कह रहे हैं कि एक दो दिन में जो है वो आएंगी इनके पास। जी बहुत अच्छा लगा आज इनके डॉग हाउस पर आकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई खादिम साहब, आपने हमें इतनी इज्जत अफजा। लेकिन आज मैं यहाँ पर स्पेशली पेट लेने के लिए आई और इन लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया और बड़ी इज्जत मुझे दी। तो जी आप भी आए जानवर हैं, जानवरों से प्यार कीजिए, इंसानों से भी कीजिए जो कि आजकल कोरोना की वजह से भूले हुए हैं। खादिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम मैं आपकी तरफ फिर ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। अभी तो बात थी बनी जी, बिल्ली बिल्ली मुझे नहीं मिली क्योंकि इन्होंने मुझे टाइम दे दिया है, तो इंशाल्लाह जैसे बिल्ली आएगी मैं इनके साथ फिर रब्ता करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके साथ जो मैंने शेयर किया है बहुत आपको पसंद आई होगी और खादिम भाई से आप कॉन्टैक्ट नंबर भी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर इनका दे दूँगी। बड़े ही ज़बरदस्त जानवर थे इनके पास, ज़िंदगी वफाकी। तो अगले वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, टाटा बाय बाय। बात इस तरह की है कि जानवर तो काफ़ी प्यारे हैं आपके पास और बड़े ज़्यादा तादाद में आपके पास मौजूद हैं, लेकिन ये कि